निर्ग्रंथ और निर्मल स्वभाव की प्रशंसा। ऐसे ही उनका वक्त जाया होता रहता परीक्षित। फिर यहाँ अघेन का महीना आ गया और वो जो गोप कन्याएं हैं, माने संत भी कई तरह के होते हैं। कुछ एक संत वो है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसको कहते कन्या, माने जिसका भोग से कोई संबंध ही नहीं है, अभी शादी नहीं हुई या कभी शादी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है। तो ये कन्याओं की कथा है, ब्रह्मचारियों की कथा है। तो भगवान के संत ब्रह्मचारी भी होते हैं, भगवान के भक्त गृहस्थी भी होते हैं। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो गृहस्थ भोग करके फिर संन्यास ले लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गृहस्थ भोग करके गृहस्थ में ही रहते हैं लेकिन भगवान के भक्ति करते रहते, जैसे कबीर साहब थे, दादू थे, नानक थे, सारे सिख गुरु गृहस्थी हुए। लेकिन जैनियों के सारे जितने भी तीर्थंकर हुए सब सन्यासी हुए, लेकिन गृहस्थ से सन्यास महावीर स्वामी ने भी लिया, भगवान बुद्ध ने भी गृहस्थ भोग करके सन्यास लिया कि बच्चा पैदा हुआ। तो ये भगवान की गोपियां हैं, कोई जन्म से ही ब्रह्मचारी होती है, कोई बीच में सन्यास ले लेती है, कोई जिंदगी भर गृहस्थ में रहती है। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं है कि तू जन्म से ब्रह्मचारी है या घर में ही रहती है या पीछे सन्यास लिया, ये अपनी व्यवस्था है। भगवान को केवल और केवल शुद्ध प्रेम चाहिए, चाहे तू ब्रह्मचारी हो या नहीं हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे नहीं हो, चाहे सन्यासी हो चाहे नहीं हो, चाहे कोठे पे रहने वाली क्यों नहीं हो, लेकिन अगर तेरा चित्त मुझे समर्पित हो गया, तू मेरी है, मैं तेरा हूं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको जो बजता उसका बेड़ा पार है। कोठे पर रहने वाली गणका को भी भगवान ने मोक्ष देकर अपने घर में अपने चरणों में रखा। ठाकुर जी नहीं देखते कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है कि कोठे वाली है कि कोठी, कोई नहीं देखते उन्हें। तेरे भीतर शुद्ध प्रेम है, तेरे लिए मेरे, तेरे भीतर मेरे लिए तड़फ टीस दर्द आह चाहत है। अगर है तो तू मेरी, मैं तेरा। अगर ये नहीं है तो कितना ही बड़ा ब्रह्मचारी हो, कितना ही बड़ा सन्यासी हो, कितने बड़ा त्यागी हो, कितने बड़ा योगी हो, कितना ही बड़ा महान ज्ञानी पंडित हो, न तू मेरा न मैं तेरा। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, भगवान केवल यही बात कहते हैं कि जिसके भीतर चाहत है उसके भीतर हम रहते हैं। हर दिल में बस रहे हर दिल में बस रहे गे श्री वृंदावन बिहारी, हर दिल में बस रहे बस रहे श्री वृंदावन बिहारी, हर दिल में बस रहे हर दिल में बस रहे गे श्री वृंदावन बिहारी, और प्यार का समुंदर और प्यार का समुंदर वृषभानु की दुनारी, हर दिल में बस रहे श्री वृंदावन बिहारी हो, हर दिल में बस रहे श्री वृंदावन बिहारी, हर दिल में बस रहे श्री वृंदावन बिहारी, और प्यार का समंदर और प्यार का समंदर कृष्णानु की दुनारी, हर दिल में बस रहे और प्यार का संबंध और प्यार का संबंध कृष्णानु की दुलारी, हर
दिल में बस रहे गे, हर दिल में बस रहे गे, श्री वृंदावन बिहारी और प्यार का समुंदर, और प्यार का समुंदर, वृषभानु की दुलारी हर दिल में बस रहे गे। सूरत हर एक इनकी मूरत, हर एक इनकी सूरत, हर एक इनकी मूरत, हर एक इनकी सूरत, हर एक इनकी मूरत, हर एक इनकी मूरत, हर एक मुस्कुराहट, हर एक मुस्कुराहट, श्री वृंदावन बिहारी हर दिल में बस रहे, श्री वृंदावन बिहारी और प्यार का समंदर, और प्यार का समंदर, विश्वभाग की दुलारी हर दिल में बस रहे। सफल उसका जिसने इसे चाहा, जीवन है सफल उसका, उसका जीवन है सफल उसका, जिसने इसे चाहा, जीवन है सफल उसका जिसने इसे चाहा, जिसने इसे चाहा, भरते ही उसका दामन, भरते ही उसका दामन, श्री वृंदावन बिहारी हर दिल में बस रहे, श्री वृंदावन बिहारी और प्यार का समंदर, चैन से न जी सकोगे, सोचोगे क्या करोगे, करोगे सोचोगे क्या करोगे, चैन से न जी सकोगे, हाँ सोचोगे क्या करोगे, चैन से न जी सकोगे, चैन से न जी सकोगे, हर एक की घर तमन्ना, हर एक की घर तमन्ना, श्री वृंदावन बिहारी हर दिल में बस रहे, श्री वृंदावन बिहारी और प्यार का समंदर, जब दर्द दिल में याद, याद जब दर्द
सबूरी करते ही कृपा सबूरी श्री वृंदावन बिहारी और प्यार का समंदर कृष्ण की दुलारी हर दिल में बस रहे और रुद्रष्टों की शरण में रुद्रष्टों की शरण में श्री वृंदावन बिहारी हर दिल में बस रहे श्री वृंदावन बिहारी और प्यार का समंदर और प्यार का समंदर और प्यार का समंदर कृष्ण की दुनारी हर दिल में बस रहे जहाँ गोपी शब्द आता है वहाँ स्त्री नहीं बल्कि भगवान का भक्त समझना चाहिए। तो ये अगेन के महीने में यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती और यमुना की बालू की कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विधि विधान से पूजन अर्चन कर भगवान कृष्ण हमारे पति हैं ऐसा वरदान मांगती। परीक्षित उनकी सच्ची भावना थी लेकिन बेचारी बिना पढ़ी लिखी जंगल की रहने वाली थी, उनमें संस्कार का थोड़ा सा कमी थी लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। तो ठाकुर जी ने सोचा कि आज अंतिम दिन है पूर्णिमा का, इनकी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो जैसे वो गोपियां स्नान करने के लिए गईं यमुना जी में, ठंड का वक्त था, अब भगवान ग्वाल बाल गाय बछड़ों को लेकर छुप करके पीछे पीछे गए और बछड़ों को गाय को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, ग्वाल बालों को करीनों की ओट में, और खुद जैसे गोपियों ने वस्त्र उतार करके पीठ फेरी चुरा करके कदम के पेड़ पर। कहानी तो सबने सुनी है, कोई खास नहीं है, लेकिन कथा बहुत गहन है। इस कथा के लिए बहुत दिन चाहिए और इतनी विस्तृत गंभीर कथा है, लेकिन मैं आपको व्यवहारिक तौर पे सुनाऊंगा। वो आपको फिलॉसफी लेवल की यहाँ ऑडियंस को जब वो उस चीज़ पकड़ में नहीं है तो उसको कहना कोरा पांडित अहंकार होता है। एक आदत होती है हमारी आदत ये होती है कि हम अपनी गलतियों को गलत नहीं समझते नहीं हैं, हम जानते ही नहीं कि ये गलत है और हम कर रहे हैं, सही समझ करके कर रहे हैं एक गलत काम। दूसरा गलत काम, हम इसको जानते कि ये गलत है लेकिन मजबूरी बना करके उसको कर रहे हैं, कहते हैं कि सब मजबूरी क्या करें। एक तीसरी गलती होती है, हम उसको गलत समझते हैं और कोई मजबूरी भी नहीं है फिर भी करते हैं, क्यों? स्वाद के कारण। तीन तरह से गलत करते हैं, एक तो जानकारी नहीं है गलत होता है, एक मजबूरी में गलत होता है और एक स्वाद में। और फिर अगर उस हमारी गलती की जो हम करते हैं दुबक करके छुपक करके सोचते हैं कि किसी को पता नहीं है, और अगर उसकी किसी को जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, कोई लड़की किसी के साथ में शादी करना चाहती हो तो उसके सामने अपने आप को सबसे बढ़िया ही तो दिखाएगी, और उसकी कोई गलती खास बड़ी गलती जिससे वो ब्याह करना चाहती उसको घर को मालूम पड़ जाए तो वो लड़की के लिए जिंदगी एक तरह से खत्म हो गई।
ये हमारी जिंदगी है। हम चाहते हैं समाज में हम सबसे बढ़िया ऊंचे जिंदगी सम्मान से जिए, और हम मनमानी भी करें लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़े। और हमारी कोई गलत आदत जिससे समाज में आदमी नीचा देखता है वो किसी को मालूम पड़ जाए तो हम कहते हैं हमारा चीर छिन गया, हम नंगे हो गए, बेइज्जत हो गए, बेपर्दा हो गए, बेकार हो गए। यही बात है। तो गोपियों ने वस्त्र उतारे, भगवान ने नहीं उतारे। हम खुद नंगे होते, नंगे माने बेशर्मी के काम करते हैं, हम खुद गलत काम करते हैं, हम खुद मनमानी करते हैं। और फिर ग्वाल बालों को पता है यमुना में कंठ तक डूब करके वस्त्र मांग रही है, और ग्वाल बालों को पता है ग्वाल बाल माने ज्ञानी पुरुष, मैंने बताया ना ज्ञान मार्ग। जो कोई भी हम गलत करते हैं समझदार लोग जानते हैं कि आदमी गलत है या सही है, उसकी जो नजरें हैं बता देती हैं गलत है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि गलत है। नजरों से, बॉडी लैंग्वेज से और चेहरे के जो इमोशंस होते हैं वो बता देते हैं कि गलत है, सब जानते हैं लोग। तो भगवान से गोपियां कहती हैं कि तुम हमारे वस्त्र दे दो, भगवान कहते हैं कि वस्त्र मैंने नहीं उतारे अपने आप, माने जो तुमने गलती करी है ना उस गलती को ढक करके नहीं, गलती को दबा करके नहीं, गलती को स्वीकार करके कि तुमने गलत किया है। जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार दिल से नहीं करेंगे तब तक भगवान की शरण में हमारे लिए जगह नहीं मिलेगी। ईसाई मत सबसे ज्यादा क्यों फैल गया पता है तुम्हें? इसमें खास बात है कि क्रिश्चियंस जो भगवान के गॉड के सामने प्रेयर करते हैं तो उसमें अपनी गलतियों को अपने क्राइस्ट को बताते हैं, जीसस को बताते हैं, अपने गॉड को बताते हैं, अपने भगवान को बताते हैं। और हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं, हम अपनी खसूसियत बताते हैं कि मैं साहब इतना भजन करता हूँ, इतना दान करता हूँ, इतना पुण्य करता हूँ। भगवान कहते हैं तुम बढ़िया करते हो, वो तो तुमने कह करके खत्म कर लिया, लेकिन जो कुकर्म करते हो उसको स्वीकार न करके तुमने और कुकर्म बना लिया अपने दिमाग में, यही मेरी और तुम्हारी दूरी की वजह है। तू जो भी गलत किया है जान के अनजान के कैसे भी उसको छोड़ो, माने नंगे होके आने का, बिना वस्त्र के आने का, उसको खत्म कर दो और जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, मैं सब जानता हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल स्थान दूंगा, वही तुम मेरे प्रेमी हो, मैं तुम्हारा प्रेमी, वही स्थान दूंगा। और जब तक ये जीव अपनी गलती को नहीं छोड़ता, गलती को स्वीकार नहीं करता, गलती को नहीं मानता, आदमी गलत करे कोई बात नहीं लेकिन गलती को माने नहीं, ये महान गलत है, महाअपराधी मक्कार होता है। तुम्हारे घर में कोई बच्चा गलती करे वो नहीं मानता तो कितना मक्कार लगता है तुम्हें। ऐसे हम कुकर्म करें और फिर भी माने नहीं तो भगवान को कितने बुरे लगते होंगे। फिर हम कहते हैं साहब भगवान का भजन तो बहुत करते मन, अरे मन कैसे लगेगा, कुकर्म को फेंक दो ना, छोड़ दो। जब जीव भगवान के सामने गलती को खत्म करके नंगा होकर जैसा भी होता है, वेदांत की भाषा में इसको आवरण कहते हैं, सूफी स्टाइल में इसको पर्दा कहते हैं। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे कृष्णा हरे